मतलब जितना अपना R15 टोटल जाता है ना उतना ही फर्स्ट गियर में कर जाती है। देखा आपने 150 बाइक क्रॉस कर चुकी थी फर्स्ट गियर में भाई साहब। अरे ये देखो गाइस बाइक बिल्कुल बाहर आ चुकी है और एकदम बढ़िया सी लग रही है ना इस रैप में, मुझे बहुत पसंद है लिटरली। देखो आज सुबह ना एक न्यूज़ आई है जिससे मैं बड़ा खुश हूँ पर्सनली, और वो ये आई है कि प्ले स्टोर से ना BJMI को रिमूव कर दिया गया। और इसे कुछ पता है मैं क्यों, क्योंकि ये जो हमारे देश के युवा हैं, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये पूरा दिन भर गेम में लगे रहते हैं, घर वालों को कोई पता नहीं, खाने पीने का कुछ पता नहीं, और सारा दिन इसी में निकाल देते हैं। एनीवेज गाइस वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और भाई आज हमारे काम है 2 दिन, और फाइनली आज बारिश भी नहीं है जम्मू में हो रही, तो अपना काम सेट हो जाएगा। तो 2 काम है, एक तो अपनी बाइक की करानी थी हमने पूजा, बिकॉज जब तक हम पूजा वगैरह नहीं करा लेते तब तक हम बाहर लेके जा नहीं सकते। और आपको पता है लास्ट टाइम R1 V4 की भी नहीं कराई थी, तब भी कांड हो गया था। इस बार भाई पहले ही करा लेते हैं, R1 है, बड़ी चीज़ है, इस बार थोड़ा संभाल के ही चलना है। तो दैट्स वाई हम जाएंगे आज पूजा भी करा लेंगे और अपने थोड़े दोस्तों के रिएक्शन देखते हैं कि R1 को लेके क्या रिएक्शन होते हैं, बिकॉज अभी तक मेरी R1 किसी ने नहीं देखी है सिवाय साहिल के, जहाँ पर मैंने बाइक लगाई थी। तो चलो बाहर चलते चलते ही बात करते हैं। फाइनली आज अपने पास अपनी हेलमेट भी होगी, इस पर अपना कैमरा वगैरह माउंट करते हैं। अब बताओ पहला बंदा होएगा इंडिया का जो रूरॉक पहन के R1 चलाएगा। तो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था इस चीज़ का। ग्लव्स भी आज ये वाले पहनेंगे भैया, क्योंकि लंबी राइड करनी नहीं है, सो दिस विल बी ओके। तो देखो यार मुझे आज भी ना वो टाइम याद है जब मैं अपनी R15 पे वीडियोस डालता था, लाइक एग्जॉस्ट डालने की, ये डालने की। तब मैं बोला करता था कि मुझे R1 मेरी फेवरेट बाइक है और एक ना एक बार मैं लूँगा। तो बहुत सारे लोग जो अब सब्सक्राइब नहीं करते होंगे शायद से, पर तब ऐसे बहुत सारे लोग होते थे जो तब मेरे को नीचे कमेंट करते थे कि क्या तेरी औकात है ये वो। तो चलो वो तो अलग सीन था, बट लिटरली तब मैं खुद में भी बिलीव इतना नहीं रखता था, मुझे नहीं पता था कि एक दिन लिटरली मैं R1 राइड करूँगा, मतलब वो भी अपनी वाली। तो आज वो दिन आ चुका है भाई। देखो अब अपनी पास R1 भी है, उस पर एक्रा पॉविच का फुल सिस्टम टाइटेनियम एग्जॉस्ट भी है, वो भी एवोल्यूशन लाइन। तो दिन चेंज होते हैं भाई, अगर किसी चीज़ में तुम बिलीव करते हो, एक टाइम पे सोचते हो और उस पर कंसिस्टेंट रहते हो, इधर उधर अपना विचार नहीं बनाते हो, तो डेफिनेटली एक दिन आपका ड्रीम वो पूरा होगा। ये चीज़ मैंने अपने रिसेंट एक्सपीरियंस से सीखी है। कार हमारे पास है भाई, बहुत दिनों बाद इसे चला रहा हूँ, और थोड़ा बहुत जो मैंने R1 चलाया ना उसके बाद इसे चलाने का ना कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। ऐसा लगता है ये तो बड़ी छोटी सी है यार, इसको तो मैं कैसे भी मैनेज कर लूँ। एनीवेज मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, अभी मेरे को यही टेंशन है कि 3-4 दिन में वीडियोज़ कैसे बनाऊँगा। ऑब्वियसली जब बारिश होती है बाहर ना बाइक निकाल सकते हैं क्योंकि R1 हो रखी है अपनी रैप। और दूसरी चीज़ ये कि भाई इतनी ज़्यादा पावर है ना उसमें, डी मोड में भी अगर मैं कभी गलती से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता हूँ तो टायर स्लिप कर जाएगा उसका। हाँ ये बात भी है कि उसमें थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है अपने, स्लाइड कंट्रोल सिस्टम है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख जाएगी आपको, ये रही अपनी बाइक। एकदम साहिल ने ना फ्रंट में लगा के रखी है बिल्कुल सामने, और यहाँ लगाने का रीज़न इसको ये है, मेरे घर वाली साइड भाई रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एंड आई डोंट वांट कि इसको वहाँ जाके मैं ख़राब करूँ। बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर अंदर लगी हुई है, ये वाला दरवाज़ा हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद दूसरे घर में लगा देंगे अपने, टेंशन की बात नहीं है। तो भाई साहब ये है अपने R1 के सीन। एनीवेज जब मैं रैप करा रहा था ना इसको, तो ये चीज़ बहुत स्पेशल है बिकॉज मुझे थोड़ी सी स्टॉक वाले ग्राफिक्स इस पर देने थे, तो मैंने तब ये वाला भेजा था भैया को, A1 ग्राफिक्स में, सिद्धांत भैया को, एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से उन्होंने ये कर दिया। आप बताओ नीचे कमेंट करके ये कैसा लग रहा है। एंड अब निकालते हैं इसे बाहर और पूजा वूजा कराते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करके सुनाता हूँ आपको। शर्मा जी बस एक चीज़ बताइए, पिछले 2 दिनों से बाइक आपके पास लगी है, आपको कैसा फील हो रहा है? अमीर लग रहे हो खुद में, अमीर फील हो रहा है पूरी? जो पूछता है मेरा अपनी है। कितने लोग आगे होंगे यहाँ पर खड़ी देख के? नहीं यार आगे पीछे घूमते हैं भाई, पूछते तो हैं कि क्या चीज़ है ये। अभी तो स्टार्ट वगैरह करी नहीं। एक्चुअल में क्या हुआ, मैं 2-3 बार आया बाइक के पास, मैं हमेशा चाबी भूल जाता हूँ, R15 की उठा के ले आता हूँ। आज मैंने कहा नहीं भाई आज से लेके जानी है, बिकॉज उसकी पूजना वगैरह भी बाकी है, वो काम भी हो जाएगा। साहिल एक काम करते हैं, पूजा इस पे नहीं कराएंगे क्योंकि रैप खराब होने का डर है, इस पे कराते हैं, क्या बोलता है? तो हमारे पास ना अखनूर की सेकंड और मतलब सॉरी हमारे पास ना अखनूर की पहली एक्सॉटिक बाइक भी आ रखी है। तो दिस इज द फर्स्ट हायाबूसा इन अखनूर, और अपूर भैया भी हमारे पास पहुंच चुके हैं। अपूर भैया एक बार बता दो कैसी लगी आपको ये चीज़? बम बाइक है ना? अरे थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। और ये J&K की only 1 है, सिर्फ एक हाँ हमारी, और इंडिया में भी मेरे ख्याल से 7-8 से ज़्यादा नहीं है। और ये देखो गाइज बाइक बिल्कुल बाहर आ चुकी है और एकदम बढ़िया सी लग रही है ना इस रैप में, मुझे बहुत पसंद है लिटरली। और ये इनटेक में थोड़ा सा कचड़ा जा रखा है भाई, इसको साफ़ करना पड़ेगा। कोई कपड़ा है उसको, इसको नहीं भूल जाना, इसको याद रखना। और सिमिलरली मैं देख रहा हूँ दोनों बाइकों के ना एक वो जो होती है ना DNA, वो मैच होता है, रियलिटी में होता है, बस उसमें ना पीछे वाली सीट इतनी प्रैक्टिकल नहीं है जितनी इसकी है। तो अगर तुम लोगों को लगता है R15 की पिछली सीट बकवास है, तो नहीं भाई उसमें तो बैठ ही नहीं सकते आप। तो चलो भाई इसे करते हैं बूट, मॉर्निंग में इसका थोड़ा टेम्परेचर कोल्ड स्टार्ट दे देते हैं इसको, और इसमें फ्यूल भी डलाने जाना पड़ेगा आई गेस। सो लाउड तो है लाउड तो है भैया, पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं। एक्चुअली भैया की बाइक में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है, इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं है तो ये खूब चिल्लाएगी। थोड़ा सा गर्म हो लेने देते हैं, टेम्परेचर जब राइज़ हो जाएगा तब हम चलाएंगे। अभी आप देख लो यहाँ पर ये लो बता रहा है सी टेम, तो जैसे ये इंक्रीज़ होगा देन हम आराम से इसे चला सकते हैं। तो असल में ये जो कोल्ड स्टार्ट की बात होती है ना गाइज, इसमें मैं तुम्हें सिंपली बता देता हूँ। बाइक ना जैसे पुरानी बाइक्स में चोंक लगती थी ना, वैसे इसका होता है सिस्टम। तो कुछ देर के लिए पर्टिकुलरली इसे गर्म होने दो, पूरा जो इंजन ऑयल होता है वो प्रॉपरली पूरे इंजन में घूम जाता है, उसके बाद आप आराम से चला सकते हो। वरना ऐसे अगर आप चलाने की कोशिश करोगे तो बाइक मिसिंग करती है, बंद हो जाती है। तो ना अभी मैं तुम्हें इसको रैव करके इसकी आवाज़ सुना, तो ध्यान से सुनना। है मज़ा तो है, दम तो है। आ जाओ, तो भाई देखो ये होते हैं शशके सुपर बाइक के, और R1 लिटरली कुछ अलग ही गूंजता है। मतलब अलग ही एक साउंड आती है, वो जो क्रिस्प होती है ना क्रॉस प्लेन की, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। मैं बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता आपको, जस्ट फील लो आप उस आवाज़ का। तो भाई साहब आप देख लो, सारे लोग तुम्हें घूर रहे होंगे व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ सुपर बाइक। और मेरे को अखनूर में ये चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, बिकॉज ये मेरा इलाका है। मम्मा और मना करते हैं भाई अपने इलाके में ऐसी चीज़ें मत किया करो। ये चीज़ बताओ आवाज़ कैसी है जब मैंने निकाली उधर से, है ना, ज़बरदस्त थी ना। मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी। उसके बाद इधर इसने बैकफायर मारा, बैकफायर मारता है। हाँ, जिस दिन मैं लेके आया था उस दिन तो सुबह सुबह पटाखे ही पटाखे फोड़ रही थी ये। अभी कैसी लगी बाइक, साउंड मस्त है, मज़ा आया। मेरे को बस एक चीज़ की डर लगी रहती है कि अचानक से अगर मैं पिकअप दे दिया ना कहीं, जो आगे से ऊपर ना हो जाए। बट डी मोड में है, ट्रैक्शन 10 पे है, 9 पे सॉरी, तो ऊपर तो नहीं जाता। तुम बताओ भाई, बाइक लग रही है ना एकदम सेक्सी। इसे अभी मैं इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट R1 बनाने वाला हूँ। और तुम ये चीज़ बताओ अभी तक तुम्हें क्या लग रहा है कि जोकर रैप से अच्छी बनी है या बन जाएगी, क्या है क्या नहीं, आप कमेंट करके एक बार बताओ, बिकॉज आपका you know, वो लेना ज़रूरी है सजेशन। तो पंडित जी हमारा यूट्यूब चैनल देखें, खोलना इसको, ये लो, ठीक है। चलो अब तो भाई पूजा हो चुकी है हमारी कंप्लीट, और पंडित जी ने बहुत सही स्वास्तिक बनाया भाई। तो अभी बस मेरी जान आराम से चलाना, हमेशा ध्यान रखना मेरा, और मैं आपका रखूँगा भाई, ठीक है ना। तो चलो मोड़ते हैं इसको, अब अकेले मोड़ने की आदत तो डालनी पड़ेगी भाई। बस आज मेरे को लगा कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आप छोटे नहीं हो, मैं भी छोटा हूँ पैर ही नहीं लग रहे, देखो ना पैर कितने कितने लग रहे हैं। चलो तो भाई साहब अब मज़ा आया, थोड़ी सी बाइक खींच के फिर फील हुआ है कि बाइक चलती है। और आपने रिएक्शंस देखे होंगे जो मेटाडोर पे ओवरलोडिंग हो रखी थी, वहाँ पर लोग ऐसे देख रहे थे भाई क्या चीज़ आ गई आगे। ऐसे हमें बहुत सारे रिएक्शंस मिलते रहेंगे आगे भी, बट फिलहाल हम अपनी राइड को एंजॉय करेंगे भाई, क्योंकि इतने दिनों से पूजा हुई नहीं थी तो हम एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, मुझे बस इसी चीज़ का डर है ये वाली बाइक नीचे नहीं लगनी चाहिए। तो हाँ जी क्या मसला है, नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है भाई बाइक की। तो फाइनली R1 जो है वो हायाबुसा से ऊंचा है, और उसके पीछे एक और रीज़न है कि इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं लगा है नीचे, इसलिए काफ़ी अच्छा कर रही है बाइक। R1 प्रॉपर अपने मूड में है भाई साहब इस टाइम। अभी धीरे धीरे जैसे गर्म होगी और तो और पटाखे आपको सुनाई देंगे। भाई साहब मैं क्या ही कहूँ, तुम्हें ऑटोमेटिकली इसकी जो आवाज़ सुनाई दे रही होगी उससे तुम्हें पता चल ही रहा होगा कि क्या चीज़ है ये। तो आपका ड्रीम पूरा होता है ना, तो आपको समझ ही नहीं आती आपको बोलना क्या है। और यहाँ पर भगाने के लिए अच्छा रोड। 150 भाई क्रॉस कर चुकी थी फर्स्ट गियर में। भाई साहब ये बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई, इसीलिए R1 को आराम से चलाओ बिना रिस्क लिए। एंड हमें इतना एंजॉय करना था, बहुत मज़ा आया। अब इससे ज़्यादा भगाने की औकात मेरे दिल में नहीं है, मतलब धक धक होने लग जाता है भाई। और थोड़ा सा रोड का स्ट्रेच मिला तो उसमें मैंने भगा दी थोड़ी सी। पहले गियर में मतलब जितना अपना R15 टोटल जाता है ना उतना ही फर्स्ट गियर में कर जाती है, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा सही फील होती है भाई। और मैं बिल्कुल ऐसे नीचे हो गया था बाइक पे, बट स्टिल डर लग रहा था, ऐसे टनल विज़न बन रही थी, बाकी सब ब्लर हो रहा था। तो भाई साहब ये होते हैं मज़े। अब जम्मू में मतलब टोटली अखनूर में मैं कहूँगा तो दो ज़बरदस्त बाइक्स हैं जो ऐसे जाती हैं, जूम से आवाज़ आती है भाई, ऐसा बोलेंगे लोग। और बोलेंगे ये तो पता नहीं, एक का तो पता है कि हयाबूसा, दूसरे का नाम नहीं उन्हें पता होगा कि R1 नाम की भी कोई चीज़ होती है। बस आवाज़ सुनिए कि डरावनी सी होती है भाई। नॉर्मल डे टू डे वाली बाइक्स अगर आप उनके पास खड़े होते हो, उनकी आवाज़ सुनते हो, तो ये बाइक ना आपको दहला देंगी भाई, लिटरली आप डर जाओगे थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा ऐसे होता है ना लड़कियाँ वगैरह जब वो आसपास होती हैं तो उनको बड़ा डर लगता है इस बाइक से, और वो चीज़ मैंने खुद नोटिस करी है। एंड प्लीज़ ग्लव्स के लिए मुझे मत बोलना, इस टाइम ग्लव्स मैं लेके आया हूँ बट आई एम नॉट वेयरिंग देम। और उसके पीछे रीज़न ये, हमने आज पूजा कराई है, आई डोंट वांट टू टच लेदर्स और समथिंग लाइक दैट, तो दैट्स वाई अभी के लिए ठीक है। और ऊपर से आपको पता है मंदिर में भी लेदर ले जाना मना होता है। जैसे हमारे R15 में क्या होता है ना कि हमारे हाथों में दर्द होती है, रिस्ट में दर्द होती है, इसमें ना रिस्ट में दर्द नहीं होती, इसमें बैक में ही दर्द होती है सिर्फ। तो धीरे धीरे हमें इसकी भी आदत लग जाएगी। पहले R15 ही चलाया, इसका बेटा चलाया हमने, तो दैट्स वाई हमें ज़्यादा दुख नहीं दे रहा ये। सुनी ये पटाखा सुना क्विक शिफ्टर का, ज़बरदस्त भाई साहब। अब हम R1 को R1 की तरह चलाते हैं। थोड़ा सा आराम से, एकदम मस्त तरीके से। और ये रोड पूरा गीला है तो दैट्स वाई मुझे थोड़ा डर लगता है, बट कोई बात नहीं, बाइक को रिस्पेक्ट करेंगे, बाइक हमें रिस्पेक्ट करेगी भाई। देखा डर लगता है भाई गीला रोड देख के। और ये एकदम परफेक्ट जगह भी है यार R1 चलाने के लिए। आई डोंट नो तुम्हें व्यू पूरा सही दिख रहा है R1 का कि नहीं, बट आगे डार्क थीम जो हो रखी है ना बहुत सेक्सी लग रही है, अप टू द मार्क। सुन रहे हो पटाखे, ये पटाखे जो R1 ही फोड़ता है, बाकी सुपर बाइक्स का मुझे इतना पता नहीं है भाई। हाँ एनीवेज, यहाँ पर कोई भी हमें रिएक्शन वगैरह देने के लिए नहीं है, जस्ट बिकॉज कि ये थोड़ा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर लोग होते हैं कम, तो हमें खुद से ही जो है वो मज़ा लेना पड़ेगा भाई। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि सुपर बाइक या कोई मस्त गाड़ी जा रही है जिसकी इतनी अच्छी आवाज़ है, बट जो मोस्टली मैं देखता हूँ ना रिएक्शंस यूट्यूब पर, उसमें ना लोग डर जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब वो डरेंगे तो देखेंगे ही ना, उसमें ऐसा कोई वो वाला रिएक्शन नहीं, वो खाली आप लोगों को डरा रहे हो। एक चीज़ तो है जो मैं सोच रहा था कि R1 को इन रोड्स पर चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस अभी तक इसका ट्रैफिक वाला फील हमने नहीं लिया है। अरे हाय गर्म हो गई बाइक पूरी। इसका बूस्ट वाला स्विच कहाँ है? बूस्ट वाला बटन दबाना, ये बीच में ब्लू दोनों, हाँ ये दोनों साथ में दबाना, फिर आगे से उठता हुआ जाएगा। थोड़ा ध्यान से करना भाई, बहुत ज़्यादा पावर है। अभी मैं देखो, मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ। हाँ अभी देखो भाई R1 का हमारा टेम्परेचर 103 पहुँच गया। जब तक ये खड़ी रहेगी इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बट फिलहाल एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें अपना काम करने देते हैं। 100-150 पहुँची है उधर, 150, बट मैं ऐसे हो रहा था, ऊपर डर रहा था मैं। तो ये थी भाई हमारी आज की राइड। आई होप आपको ये राइड पसंद आई होगी, और ऐसे ही धमाके और देखने हो तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को याद से दबा देना। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में, ठीक है।